नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों, अभी हमारे पास सऊदी के लिए काफी रिक्वायरमेंट्स आई हैं। पांच पोजीशंस हैं, अलग अलग टाइप की पोजीशंस हैं और काफी अच्छे प्रोफाइल्स हैं। दोस्तों, मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो बैंकेट हेड वेटर की रिक्वायरमेंट है। बैंकेट हेड वेटर की रिक्वायरमेंट है। सैलरी होगी इसमें, वो निगोशिएबल होगी। ये पांचों रिक्वायरमेंट सऊदी अरब में एक लीडिंग रिक्रूटमेंट कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट है और लोकेशन रहेगा रियाद। पांचों पोजीशंस की जो लोकेशन होगी वो रियाद में रहेगी, रियाद सऊदी अरेबिया। दोस्तों, पहली रिक्वायरमेंट रहेगी बैंक्वेट हेड वेटर। इसमें फूड एंड अकोमोडेशन कंपनी तरफ से फ्री मिलेगा। सैलरी होगी वो निगोशिएबल होगी, उनकी क्वालिटी परफॉर्मेंस के ऊपर होगी। और कैंडिडेट को कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें सेल्स सॉफ्टवेयर के ऊपर भी काम करना आना चाहिए और बैंकेट सॉफ्टवेयर के ऊपर, बिलिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना आना चाहिए। मीन्स कोई भी कैंडिडेट जिसने बैंकेट को हैंडल किया हो, बैंकेट को हैंडल करने का जो अकाउंटिंग हो, बिलिंग हो, सॉफ्टवेयर पे काम करना हो, मीन्स जो भी काम रहेगा उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए और कम से कम 4 साल का एक्सपीरियंस कंपल्सरी है। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट की मीन्स कंपलसरी है। डिप्लोमा कंपलसरी डिग्री होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिप्लोमा कंपलसरी है होटल मैनेजमेंट में। दोस्तों, इसमें क्वालिटी कैसी चाहिए, कम्युनिकेशन इसका अच्छा होना चाहिए, एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए, टीम वर्क करना आना चाहिए और कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको सुलझाने की क्वालिटी होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए और जो डिलीवरी है हाई लेवल सर्विस, उच्च कोटि की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कमिटेड होना चाहिए। और जो भी चीज़ है, जो रिक्वायरमेंट आती है, अलग अलग सिचुएशंस में अच्छी सर्विस डिलीवरी कर सकें और प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड कर सकें, ऐसी क्वालिटी होना चाहिए और वो खुद भी अपने हिसाब से काम कर सकें, टीम के साथ में काम करना है, खुद भी अपने हिसाब से काम कर सकें और उनको नॉलेज होना चाहिए जो उनका फूड को कैसे नीट एंड क्लीन हाइजीनिक रखना है, ये सब की नॉलेज उनको होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। और उनको टोटल जो काम रहेगा, ऑब्वियसली बंदे को अगर एक्सपीरियंस होगा तो उसको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली पता होगी। रिक्वायरमेंट किस किस चीज़ की है वो मैंने आपको शेयर किया। रिक्वायरमेंट रहेगी बैंक्वेट हेड वेटर की रिक्वायरमेंट है, सैलरी निगोशिएबल है। दोस्तों, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है सेम लीडिंग रिक्रूटमेंट कंपनी है रियाद में, जिसको अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है बैंक्वेट मैनेजर की। बैंक्वेट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, इसमें भी फूड अकोमोडेशन कंपनी तरफ से फ्री मिलेगा, सैलरी निगोशिएबल होगी और इसमें क्वालिफिकेशन रहेगी डिग्री और डिप्लोमा 3 साल का इसमें, और 3 साल का कम से कम जो डिप्लोमा का कोर्स है वो 3 ईयर्स का होना चाहिए या डिग्री होना चाहिए और उनको एक्सपीरियंस कम से कम 4 ईयर का होना चाहिए सेम फील्ड में। क्वालिटी क्या चाहिए इसमें, स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए, सेम कंडीशन लाइक उनको एक बहुत अच्छी कंडीशन में काम करना आना चाहिए, टीम वर्क करना आना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने की क्वालिटी होना चाहिए, डिफरेंट सिचुएशंस में काम करना आना चाहिए, अंडर प्रेशर काम करना आना चाहिए, मीन्स हर टाइप की सिचुएशंस में एक प्लीजेंट स्माइली सर्विस होना चाहिए, प्रॉम्प्ट सर्विस होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए और सेल्फ लाइक ड्राइवर होना चाहिए। ये सारी रिक्वायरमेंट रहेगी और इसमें सेम रिक्वायरमेंट लाइक एकोमोडेशन फूड कंपनी देगी और सैलरी निगोशिएबल रहेगी। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट रहेगी लीडिंग रिक्रूटमेंट कंपनी में ही रिक्वायरमेंट रहेगी रियाद में, और ये पोजीशन है असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर। असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, इसमें भी फूड एकोमोडेशन कंपनी देने वाली है, सैलरी निगोशिएबल होगी, एक्सपीरियंस 4 साल मिनिमम होना चाहिए और क्वालिफिकेशन में डिग्री और डिप्लोमा 3 साल का होना चाहिए होटल मैनेजमेंट का। सेम क्वालिटी चाहिए, मीन्स कम्युनिकेशन, अंडर प्रेशर वर्क, टीम वर्क, प्लेजेंट पर्सनालिटी, स्माइली, हेल्दी ट्रीटमेंट और टफ सिचुएशन में काम करना, क्रिटिकल सिचुएशन में डिसीजन लेना, सेल्फ ड्राइवर होना चाहिए, टीम वर्क में काम करना चाहिए, सारी क्वालिटी जो रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लिए वो सारी क्वालिटी उनको उनके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है बैंक्वेट वर्मन की रिक्वायरमेंट है, बैंक्वेट बर्मन की रिक्वायरमेंट है। इसमें फूड एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी, सैलरी सेम निगोशिएबल होगी और इसमें एक्सपीरियंस चाहिए वो 2 साल का होना चाहिए, क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट होना चाहिए, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट और सेम क्वालिटी जो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना चाहिए, लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाना होना चाहिए, जो जो रिक्वायरमेंट्स मैंने पहले बताई वो सारी क्वालिटी होना चाहिए कैंडिडेट के अंदर। और इसमें लास्ट रिक्वायरमेंट रहेगी वो बैंक्वेट वेटर की रिक्वायरमेंट रहेगी, बैंक्वेट वेटर की रिक्वायरमेंट है। इसमें सेम कंडीशन है, फूड एकोमोडेशन कंपनी देने वाली है,
सैलरी निगोशिएबल होगी, 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम क्वालिफिकेशन में, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट होना चाहिए, और स्किल्स में क्या क्या चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए, टीम वर्क में काम करना चाहिए। दोस्तों ये कॉमन क्राइटेरिया है इसमें, कैंडिडेट की कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी होना चाहिए, एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए, टीम वर्क में काम करना चाहिए, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाना आना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, और सर्विस को हाई, कस्टमर सर्विस को हाई लेवल पे डिलीवर करने की क्वालिटी होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए, और उनकी जो एक प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड किसी को भी किसी भी सिचुएशंस में रिस्पॉन्ड करने की क्वालिटी होना चाहिए, खुद भी अपने हिसाब से काम करना आना चाहिए, सेल्फ ड्राइवर होना चाहिए, और उनको फूड एंड बेवरेज में काम करना आना चाहिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि फूड को नीट एंड क्लीन हाइजीनिक रखने की नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों ये सारी क्वालिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सभी प्रोफाइल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में सर्विस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड पर्सनैलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्माइली और ट्रीटमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे अपियर होते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और आप लोगों से ट्रीट कैसे करते हो। एक्सपीरियंस कंपलसरी है, जिसमें 2 साल का उसमें 2 साल का, इसमें 4 साल का उसमें 4 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। दोस्तों ये रिक्वायरमेंट अर्जेंट है, और इसकी रिक्वायरमेंट में लाइक पोजीशंस बहुत ज़्यादा नहीं है, सीनियर पोजीशन की 2 पोजीशन है, उसके बाद में 3-3, 4-4 पोजीशंस की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट कम क्वांटिटी में है, और ये रिक्वायरमेंट बहुत ही बड़े ऑफिस से आई, इसीलिए रिक्वायरमेंट और भी कई ऑफिस में गई है। तो जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस वाले हैं, वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स में सेम पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक कलर स्कैन कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो, रिज्यूमे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमारी ईमेल आईडी पर भेजेंगे। ईमेल आईडी पर भेजने के बाद न्यू आईडी पर भेजेंगे jobs@bbboverseas.com पर भेजेंगे। ईमेल भेजने के बाद में एक व्हाट्सएप मैसेज डालेंगे, अपना नाम, पूरा नाम, सिटी, अप्लाइड पोजीशन और अपने डॉक्यूमेंट भेज दिए, और सब्जेक्ट टाइम होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर बैंक्वेट मैनेजर, एप्लीकेशन फॉर सीनियर बैंक्वेट वेटर, ऐसे करके उनको लिखना चाहिए, और आगे सऊदी अरेबिया, एप्लीकेशन फॉर बैंक्वेट मैनेजर फॉर सऊदी अरेबिया, ऐसे मेंशन करके वो एक ईमेल डालेंगे। ईमेल करने के बाद में नेक्स्ट वर्किंग डे में उनको कॉल बैक आएगा, और नेक्स्ट टू वर्किंग डेज में उनको कॉल बैक आएगा, और उनकी प्रोफाइल को आगे प्रोसेस किया जाएगा। दोस्तों वैकेंसीज की क्वान्टिटी कम है और अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, और जल्दी ही क्लोज होने के चांसेस हैं, और सैलरी निगोशिएबल है, कैंडिडेट की क्वालिटी परफॉर्मेंस के ऊपर रहेगा, उनकी लास्ट सैलरी कितनी है, मार्केट स्टैंडर्ड कैसा है, और उनकी प्रोफाइल कितनी सैलरी के लिए डिजर्व करती है, वो सारी चीज़ें मैटर करेंगे सैलरी के लिए। दोस्तों वैकेंसी कैसी लेकर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे रिलेवेंट लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो नंबर्स दिए जाएंगे उन पर कॉल कर सकते हो। वैसे मैंने कोशिश की है इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की, लेकिन फिर भी यदि कोई इन्फॉर्मेशन पेंडिंग रहेगी जो आपको चाहिए और सर्विस चार्ज वगैरह प्रोसेस के बारे में, तो जो नंबर्स दिए जाएंगे आप उन्हीं नंबर्स पर ऑफिस टाइम में 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में कॉल करेंगे, सोमवार से शनिवार के बीच में, रविवार के दिन कॉल नहीं करेंगे। और अगर आपको वीडियो आपने ऑफिस टाइम के बाद में देखा तो आप फिर एक मैसेज डालिए, एक टेक्स्ट मैसेज डालेंगे या व्हाट्सएप मैसेज डालेंगे, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन, आपका पूरा नाम, सिटी, अपडेट पोजीशन लिखने के बाद में आपको क्या जानकारी चाहिए वो मेंशन करेंगे, हमारी टीम आपको विद इन 2 वर्किंग डेज कॉल बैक जरूर करेगी। दोस्तों अभी ये 100% कन्फर्म है, मीन्स 100% कन्फर्म है, जिसने अगर प्रॉपरली मैसेज डाला हो उन सभी लोगों को डेली प्रॉपर आंसर हो जाता है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, इन सभी डेज का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो एक भी कॉल अनआंसर नहीं थे, एक भी मैसेज अनरीड नहीं है, सभी लोगों को प्रॉपर रिस्पॉन्स जा चुका है। अब यहाँ पर कंडीशन ये कि कुछ लोगों को रिप्लाई नहीं मिला होगा, तो जिसने सिर्फ हाँ या नो लिखा उनको रिप्लाई नहीं मिलेगा और ना ही मिलने वाला है। जो लोग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भेजेंगे उनको रिप्लाई मिलेगा, और जो लोग रिलेवेंट नंबर पर मैसेज डालेंगे उनको रिप्लाई मिलेगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।